मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फार्माकोलॉजी। हमारा डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और आज हम थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट प्रेफरेंस हम देखेंगे, जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं वो एक हमारी जो फूड पाइप है या विंड पाइप है उसके आले दाले जो उसके स्ट्रक्चर दिख रही है वो थायराइड की ग्लैंड है, ठीक है, जो बटरफ्लाई लाइक होता है और हमारी विंड पाइप के नाल होता है, जो लार्जेस्ट ग्लैंड भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और जो गोल गोल जो दिख रहे हैं वो पैरा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। और इसका जो थायराइड ग्लैंड है ये दो हार्मोन सेक्रीट्स करता है, T4 T3, यानी कि T3 से तो आप लोगों को दिख रहा होगा, यानी कि ट्राइडो थायरोन एंड T4 टेट्रा आइडो थायरोक्सन, ठीक है, ट्राई आइडो थायरोक्सन T3 एंड T4 इज आल्सो नोन एज टेट्रा थायरा आइडो थायरोक्सन। एंड लेट्स वी स्टार्ट नाउ। दीज ग्लैंड्स आर सेक्रेटेड बाय द टू हार्मोन्स थायरोक्सन T4 ट्राइड आइडो थायरोक्सन, इट इज आल्सो नोन एज T3। दीज हारमोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई द थायराइड फॉलिकल्स एंड कैल्सीटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाई द इंट्राफॉलिकल सी सेल, इट रेगुलेट द कैल्शियम मेटाबोलिज्म। थायरोक्सन फर्स्ट हारमोन सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, द एलिमेंट आयोडीन वॉज डिस्कवर्ड बाय द कोर्टिस इन 1811 एंड ईयर ऑफ 1895 एंड बाउमन डिस्कवर्ड आयोडीन इज थायराइड ग्लैंड ऑफ एनिमल एंड नेक्स्ट साइंटिस्ट इज नोन एज विलियम क्रॉट इन 1816 फर्स्ट यूज्ड पोटाशियम आयोडाइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल ग्वाशर। ग्वाशर आपको पता ही है स्टूडेंट्स, जो ग्वाशर था, जो हमारे हारमोन्स जो विंड पाइप होती है, आयोडीन की कमी होने के बाद हमारा जो गले के जो विंड पाइप है उसको स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, जो पुराने समय में होती थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक आल्सो नोन एज सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग जो दवा है वो ब्लड में जाती है, ब्लड के बाद हमें आयोडीन मिलता है और आयोडीन के साथ पैरा ऑक्साइड दिया जाता है, और वो जो आयोडीन I2 थायरोक्सिन हैं वो मोनोहाइड्रेट थायरोक्सिन प्रोड्यूस करती है और डाई हाइड्रोक्सिन करती है T3 एंड T4, ठीक है। एंड आयोडाइड इज ऑब्टेंड फ्रॉम द सर्कुलेटिंग प्लाज्मा एंड इज कंसनट्रेटेड इन द थायराइड ग्लैंड। द टोटल बॉडी कंटेंट ऑफ आयोडीन इज ऑब्टेंड फ्रॉम फूड एंड वाटर 30 to 50 ग्राम। अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज आल्सो नोन एज आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज टू एलिमेंटल आयोडीन बाय एंजाइम पैरा ऑक्साइड्स, ठीक है सर स्टूडेंट्स। एंड आयोडीन कंबाइन विद द टायरोसिन टू फॉर्म अ मोनो आयोडीन टायरोसिन एंड डाई आइडो टायरोसिन एंड मोनो आइडो टायरोसिन आल्सो नोन एज MIT एंड डाई आइडो टायरोसिन आल्सो नोन एज DIT। द पेयर ऑफ आयोडीनेट टायरोसिल्स इज कपल ऑफ टुगेदर टू फॉर्म ऑफ T3 एंड T4। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बोल इन दिस स्टेज टू मॉलिक्यूल ऑफ डाई आइडो टायरोसिन कपल ऑफ ऑन थायरोक्सन टेट्रा आइडो थायरिन वन मॉलिक्यूल ऑफ ईच DIT एंड MIT कपल टू फॉर्म आ ट्राई आइडो थायरिन। नॉर्मल थायराइड ऑफ ह्यूमन सेक्रीट 60 to 19 माइक्रोग्राम T4 and 10 to 30 माइक्रोग्राम ऑफ T3 डेली। दिस फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 इज क्वार्टरली आर नोन एज सिमिलर। अंडरस्टूड। एंड
इसके जो फिजोलॉजिकल एंड फार्मालॉजिकल एक्शंस हैं, देखिए ये इंक्रीज़ कर देता है इन ऑक्सीजन कंजप्शन एंड हीट प्रोडक्शन इन मोस्ट टिश्यूज, इंक्रीज़ इन बेसल एनाबॉलिक रेट BMR, इंट्रा यूट्रिन एंड एक्स्ट्रा यूट्रिन ग्रोथ आर आल्सो टिश्यू डिफरेंशिएशन, एनाबॉलिक इफेक्ट्स लाइक प्रमोशन ऑफ ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस, increase in the absorption and utilization of glucose, increase in the rate of cholesterol synthesis in the liver, myelination of the central nerve system, and आगे हमारी नेक्स्ट जो डिजीज़ है थायराइड की डिसऑर्डर के साथ वो है हाइपोथायराइडिज्म। इसमें क्रेटिनिज्म होता है, दिस इज़ ड्यू टू इंट्रा यूट्रिन थायराइड डेफिशिएंसी, देयर इज़ अ मेंटल रिटार्डेशन इन क्रेटिनिज्म, देयर इज़ अ ड्वार्फिज्म पफी फेशियल फीचर एंड मेंटली डेफिशिएंसी, एंड नेक्स्ट वन इज़ नोन एज मेक्सोडीमा, मेक्सोडीमा इज़ अ थायराइड डेफिशिएंसी आफ्टर बर्थ कैरेक्टराइज्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ हैंड face, feet and orbital tissues. This produce of retardation of physical growth. The disease may lead to coma and death of the patients. Third one is guaisher, anademic guaisher. This type of hypothyroidism occur due to deficiency of iodine in a food. जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें guaisher नाम की बीमारी हो जाती है, तो हम उसको भी हाइपोथायरायडिज्म क्लास में क्लासिफिकेशन में ये करते हैं। हाइपोथायरायडिज्म की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम अगर हमारे आवी आती है तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दिस इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ TSH प्रोडक्शन, एक्सोथैल्मिक गुआशर ऑफ ग्रेव डिजीज इज करेक्टराइज प्रोस्टिट्यूशन ऑफ आई ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ फैट बिहाइंड द ऑर्बिट ऑफ आइज। ठीक है, प्रेपरेशन क्या है इसकी, प्रेपरेशन आप डोजेज का सिंपल सी है, ठीक है, थायराइड में 32 to 40 mg डेली, एंड सेकेंड वन इज नोन एज थायरोक्सिन सोडियम 0.5 to 0.5 mg पर डेली, थायरोग्लोबिन 200 to 150 mg पर डेली। ठीक है, यूजेस क्या हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन टॉक्सिक गुआशर एंड हाइपोथर्मल स्टेट्स लाइक क्रेटिनिज्म एंड मेक्सोडीमा एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। जब कई लोगों को फैट चढ़ने शुरू हो जाती है, ठीक है, उसका कारण भी हमारा थायराइड बीमारी होने के कारण होता है, जो हमारी सोजिश आ जाती है, हमारे जो बॉडी पूरी है स्वेलिंग आ जाती है, ऑबिसिटी आ जाती है, एंड टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ऑफ ब्लड, हमारे जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उनको लोअर करने के लिए भी ये काम आता है। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स एंटी थायराइड ड्रग्स पर के बारे में पढ़ेंगे हम। एंटी थायराइड ड्रग्स आर दोज विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर थायराइडिज्म, दीज ड्रग्स कंट्रोल द ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। क्लासिफिकेशन जो क्या हैं स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको याद करना है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में भी थोड़ा वक्त ही रह गया है, आप लोग प्लीज़ इसको याद करो। थाई यूरिया डेरिवेटिव्स में आते हैं प्रोफाइल थाई यूरेसिल, मेथिमेजील, कार्बामेजील, आयनिक इनहिबिटर में पोटाशियम थायो साइनेट, पोटाशियम परकोलेट एंड आयोडाइड्स में सोडियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड, लिगल्स आयोडाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा था, इसका मैकेनिज्म एक्शन दिया गया, ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको याद करना है। ठीक है, इसका एडवर्स रिएक्शन में आप लोगों को सिंपल है, ड्रग फीवर रहेगा, स्किन रैशेस, स्थीलिजिया, ल्यूकेमिया, एग्रेनोमेलाइटिस एंड हिमोमेलाइटिस, हाइपरथायरायडिज्म एंड गुआशर। ठीक है,
and next one is radioactive iodine. Is this type of iodine that commonly used? Half life of 8 days, like a normal iodine, and the thyroid gland. It is incorporated into thyroid hormone and stored in the colloid. It emits the beta and gamma rays. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोगों ने याद करनी है और एडवर्स रिएक्शन के। पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। पैराथायरॉयड हार्मोन आल्सो नोन एज सेक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड। इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 84 अमीनो एसिड इन द प्लाज्मा। इट इज़ सेपरेटेड इन टू लिटेशन। देयर आर इनएक्टिव long free reaction of smallest. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड कैल्सिटोनिन हम लोगों ने कर ही लिया था। एक पॉलीपेप्टाइड है, इसमें 32 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, इट्स सेक्रेटेड बाय द सी सेल ऑफ थायराइड इन मैमल and the cells of antimicrobial bodies in lower vertebrates. ठीक है, ये आप लोगों ने याद करना है। एंड इसकी हम जो ड्रग्स हैं, जो दवा हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कार्बामिजोल आता है ड्रग का नाम। इट इज़ आल्सो नोन एज एंटी थायराइड ड्रग्स। ठीक है, इसमें जो कार्बामिजोल दी है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होगा, टेस्टलेस होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वन थायरोक्सिन सोडियम आती है थायराइड TSH में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वन इज यूट्रिन स्टिमुलेंट्स। यूट्रिन स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे। यूट्रिन स्टिमुलेंट्स आर आल्सो नोन एज इज अ ड्रग विच इंक्रीज द यूट्रिन मोर्टैलिटी एंड यूट्रिन कंट्रैक्शन एंड हेल्प द एक्सप्लोजन ऑफ इट्स कंटेंट्स। द ड्रग्स यूज टू पोस्टीरियर पोस्चर ऑफ हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड डिसमिनोक्सीटेशन एर्गोट अल्कोलाइड एर्गोमेट्रॉन्स एंड मिथाइल एर्गोटामाइन एंड प्रोस्टोग्लैंडिन एंड मिसलेनियस ड्रग क्विनोनोन एंड एथोराइडाइन। ऑक्सीटोसिन इज पॉलीपेप्टाइड विच कंटेन 9 अमीनो एसिड्स। ठीक है, एंड इट इज सेक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी अलॉन्ग विद ADH एंड यूज टू कंट्रोल द पोस्टपार्टम हेमरेज। इट इज़ द लेस इफेक्टिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। इट इज सुटेबल फॉर अ लेबर एंड द बॉडी ऑन द फंडस कंटेक्ट विद द सर्वियस डायलेट। दिस हेल्प्स इजी एक्सपोजन ऑफ द फीटस। ठीक है स्टूडेंट्स, जो एंटी थायराइड ड्रग्स हैं विच ट्रीटमेंट टू हाइपर थायराइडिज्म, वो हम बोल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है, बट आर एंटी थायराइड ड्रग्स, हम उनको लिखेंगे दीज आर ड्रग्स विच यूज ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर थायराइडिज्म एंड दीज ड्रग्स कंट्रोल द ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हारमोन्स। फर्स्ट फॉर्म में थाई यूरिया डेरिवेटिव्स में आती है मिथाइल थायोयूरेसिल, मिथामिजोल, कार्बामिजोल। सेकंड वन में आयनिक इनहिबिटर में प्लाज्मा परकोलेरेट, पोटाशियम थायोसाइनेट। रेडियो एक्टिवेट में 131 आई आयोडीन एंड आयोडाइड में सोडियम आयोडाइड एंड पोटाशियम आयोडाइड। दीज आर आल्सो नोन एज एंटी थायराइड ड्रग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों को याद करना है और पेपर में इसका क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ठीक है, होपफुली आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एंड अगर आप लोगों को समझ आए देन आस्क टू मी। तब एंड गुड डे एंड स्टे सेफ, स्टे होम।